नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेड इजी चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए मेड इजी चैनल को और पास ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेड इजी में कुछ इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जिसका नाम है फ्रेंच फ्राइज़। जी हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ का नाम सुनते ही सबके मुँह में पानी आ जाता है। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। तो फ्रेंच फ्राइज़ खाना तो सभी को पसंद है, पर आलू का नाम सुनते ही हम थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं इसे कुछ नए तरीके से। तो हम इस रेसिपी को बनाएंगे सूजी की सहायता से। तो आप इसको इजीली लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। ये 1 कप सूजी है, इसी से मैंने माप कर 1 कप पानी लिया है। जितनी सूजी है उतना ही पानी लेना है। और ये मैंने नमक लिया, ये आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है। एक पैन में हम 1 कटोरी पानी को पहले डाल देंगे। इसको हमें बॉईल नहीं करना है, पानी बस हल्का सा ही गर्म हो जाएगा। पानी हल्का सा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं हल्का सा इवेपोरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इस मोमेंट पे इसमें सूजी ऐड करेंगे। जो हमने 1 कटोरी सूजी को मेजर किया था उसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब हम जल्दी से क्विकली इसको मिक्स करेंगे पानी के साथ। गैस को कम कर देंगे और जल्दी से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और ये सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले। हमें इसे जल्दी से चलाते रहना है। आप 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से इस तरीके से चलाते रहेंगे पैन में। जब ये थोड़ा सा पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को बंद कर दिया है, अब मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। अभी ये थोड़ा सा स्टिकी है, अब हमें इसी मिक्सचर से एक डो को तैयार करना है। तो हम पहले इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से फैला देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हमें इसको कम्प्लीटली ठंडा होने नहीं देना है, अगर ये एकदम से ठंडा हो गया तो फिर इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको मैं अब हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब हाथों पर इस तरीके से तेल लगाकर मैं इसको डो की तरह जैसे आटे को गूंथते हैं वैसे ही इसको गूंथ लूँगी। ये हमारा डो अब रेडी हो चुका है। हम इसको एक अलग बाउल में रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक क्लीन प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया है। मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। ये जो नॉर्मली हमारे कपड़ों के साथ आती है उसी पेपर को मैंने धुलकर इस्तेमाल किया है। आप उसमें मैंने एक सरफेस से काट दिया है इसको और अब मैं इसके बीच में अच्छे से ऑयल लगा के डो को प्लेस करूँगी। इस तरीके से हाथ से दबाते हुए दूसरी शीट को इसके ऊपर रख देंगे और अब हम इसको प्रेस करके बेलना स्टार्ट करेंगे। मैं इसको सेंटर की तरफ से बेलना स्टार्ट करूँगी और जितने भी कोने हैं उसको इवनली हम पतला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा हमें इसे नहीं रखना है, हल्का सा मोटा ही बेलना है। जैसे कि हम रोटी बेलते हैं, किनारे इसके मोटे नहीं रहने चाहिए। ये बेलकर तैयार है, ऊपर की शीट को आराम से निकालेंगे। उसके बाद चाकू की सहायता से हम पहले इसकी साइड के एजेस को रिमूव कर देंगे। ये जो लेफ्ट ओवर है इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे फिंगर चिप्स बनाने के लिए।
अगर चाकू पे थोड़ा सा चिपकता है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद इसको हम अपने मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। ये हमारे सारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं और जो ये लेफ़्ट ओवर है इसे हम इस तरीके से हाथ से रोल करके छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज बना लेंगे। आप चाहे तो इसको कैसा भी मनचाहा आकार दे सकते हैं, जैसे बच्चों को पसंद आता है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अब हमने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल को चेक करते हैं। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जो भी आप ऑयल खाते हैं जैसे रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। तो अब हमारा ऑयल रेडी है, हम इसमें फिंगर चिप्स ऐड कर रहे हैं। अब हम इनको तब तक तलेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, और इसको तलने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगता है। कंटिन्यूसली आप इसको चलाते रहिए और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज तलकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसी तरीके से बाकी के फ्रेंच फ्राइज को भी तल लेंगे। आप देख सकते हैं देखने में कितने करारे और क्रिस्प लग रहे हैं। बस इनको ऐसे 5-6 मिनट तक चलाकर हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इनकी सीजनिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको जब हमने डो प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे भी सॉल्ट मिला सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऊपर से ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने वाइट सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पर। और इसके ऊपर से आप मन चाहे जैसे आप मसालेदार खाना चाहते हैं तो आप ऊपर से, मैं चाट मसाला यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप जो भी मसाला खाना चाहते हैं वो इस पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्प्रिंकल किया है चाट मसाले के साथ। थोड़ा सा टॉस कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। और इसको आप सॉस या हरी चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।